हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ अनूप कुमार फ्रॉम नोएडा एक्सटेंशन। मैं आज आपके सामने एक बहुत ही अच्छी कमर्शियल प्रॉपर्टी की वीडियो लेके आया हूँ, जो कि लोकेशन बहुत अच्छी है। मेन हाईवे की प्रॉपर्टी है, 130 मीटर रोड पे प्रॉपर्टी है। जहाँ पे इसकी अगर लोकेशन देखेंगे तो सामने इसके मेट्रो स्टेशन भी आने वाला है। सराउंडिंग में जिसकी पॉपुलेशन की बात करेंगे, बहुत ही अच्छी पॉपुलेशन है सराउंडिंग में। कम से कम यहाँ पे सराउंडिंग में 10 से 10 लाख से ज़्यादा फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं। फुल्ली ऑक्यूपाइड एरिया है, मेन हाईवे की लोकेशन है। उस प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाला हूँ। बिल्डर की भी बात करूँगा तो बिल्डर भी बहुत ही शानदार बिल्डर है, जो मार्केट में बहुत ही पुराना बिल्डर है। 1950 से ऑलरेडी इस लाइन में है, जिन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बना के उन्होंने डिलीवर किए हुए हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, तिहाड़ जेल हो गई, इस तरीके से सफदरजंग इनके एयरपोर्ट हो गया। इस तरीके से काफ़ी सारी इन्होंने गवर्नमेंट चीज़ें, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन की हुई है। इसके अलावा इन्होंने अब बिल्डर फ्लोर, अभी ये बिल्डर लाइन में आए हैं, तो उन्होंने कुछ अपने प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी बनाए हुए हैं, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, जिसमें कि विला की टाउनशिप हो गई, आपकी फार्म हाउस की टाउनशिप हो गई। इस तरीके से काफ़ी प्रोजेक्ट इन्होंने बना के डिलीवर किए हुए हैं, तो मैं उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। बिल्डर की मैं बात करता हूँ तो ये आयरिस ग्रुप का प्रोजेक्ट है। आयरिस त्रेहान बिल्डर हैं, जो कि बहुत ही रिनॉन्ड डेवलपर है। इन्होंने अभी गुड़गांव में भी अपनी कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी डिलीवर की हुई हैं, आईटी पार्क बनाए हुए हैं, मॉल बनाया हुआ है जहाँ पे मल्टीप्लेक्स चल रहा है, शोरूम्स हैं आपका, काफ़ी सारे वहाँ पे एंकर स्टोर्स वगैरह हैं। फुली ऑक्यूपाइड है, बहुत ही अच्छी लोकेशन की प्रॉपर्टी है। आज जो मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ, वो नोएडा एक्सटेंशन की प्रॉपर्टी है, जो कि एकदम मेन स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे आती है, मेन 130 मीटर रोड पे है, जहाँ के वॉकिंग डिस्टेंस पे, मतलब 50 मीटर की दूरी नहीं होगी, वहाँ पे आपको मेट्रो स्टेशन पड़ेगा। प्रोजेक्ट की मैं अगर बात करता हूँ तो आयरिस ग्रुप का प्रोजेक्ट है। आयरिस त्रेहान के नाम से आपका बिल्डर आता है। आयरिस ब्रॉडवे ग्रेटर नोएडा वेस्ट जो है प्रोजेक्ट का नाम आता है। बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है। आइए इस प्रोजेक्ट को डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, ये प्रॉपर्टी जो है आपकी कमर्शियल प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आपको पूरी फैमिली के साथ बैठ के यहाँ पे सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। मल्टीप्लेक्स से लेके गेमिंग जोन हो गया, फूड कोर्ट हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, रिटेल स्पेस हो गया, एंकर स्टोर, सारी चीज़ें आपको इन हाउस से यहाँ पे एक जगह ही मिलती हैं। तो आइए इस प्रोजेक्ट को डिटेल में समझते हैं, क्या प्रोजेक्ट का प्लान है, किस तरीके से प्रोजेक्ट है। तो ये दोस्तों इस तरीके से पूरा प्रोजेक्ट है। 2.8 एकड़ का आपका ये कमर्शियल प्रोजेक्ट आता है, जिसके अंदर रिटेल शॉप हो गया, फूड कोर्ट हो गया, मल्टीप्लेक्स हो गया, एंड आपका आपका ऑफिस स्पेस हो गया, होटल का एरिया हो गया, इसमें होटल भी रहेगा। इस प्रोजेक्ट में ये मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। अब इसके मैं लेआउट वाइज समझता हूँ तो आप देखेंगे लोअर ग्राउंड फ्लोर पे मेरे पास रिटेल शॉप आती हैं। बहुत ही बढ़िया लेआउट निकाला हुआ है, बहुत ही अच्छी प्लानिंग के साथ लेआउट निकाला हुआ है। ओपन टू स्काई पूरा ये मॉल रहेगा, जिसमें कि आपका सेंटर का जो एरिया पूरा एट्रियम स्पेस है वो ओपन टू स्काई रहेगा। और यहाँ पे एक सबसे बढ़िया जो कंसेप्ट दिया हुआ है वो तो ये एक ओपन टू स्काई का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जिसमें कि आप यहाँ पे खड़े होके पूरा एक बहुत ही अच्छा एंजॉयमेंट ले सकते हैं। ओपन टू स्काई रहेगा और इसमें एक जो कॉन्सेप्ट बिल्डर ने दिया हुआ है वो आपका गोल्डन पेडल का एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। इस कॉन्सेप्ट की मैं अगर बात करता हूँ तो इंडिया में ये कॉन्सेप्ट आज की डेट में कहीं किसी भी प्रोजेक्ट के पास में नहीं है। ये जो इसकी जो आर्किटेक्ट हैं, जो इसको बना रहे हैं, वो विनॉय है, जो कि बहुत ही वर्ल्ड फेमस आपका आर्किटेक्ट है, जिन्होंने सिंगापुर में काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन की हुई है। आपके आर्किटेक्ट वहाँ पे डिज़ाइनिंग दी हुई है, आपका सिंगापुर हो गया, इसके अलावा दुबई हो गया, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, अच्छी डिज़ाइनिंग वहाँ पे दी हुई है। इसी के अलावा अगर मैं नोएडा में बात करता हूँ तो हमारा ये ग्रेटर नोएडा का जो प्रोजेक्ट है, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है जहाँ है, इसमें बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ में ये डिज़ाइनिंग इस प्रोजेक्ट की हुई है। तो जो मैं आपको गोल्डन पैडल की बात कर रहा था, इसमें क्या रहेगा कि आप वहाँ पे छत पूरा ग्राउंड फ्लोर पे खड़े होके पूरे वेदर का एक एंजॉयमेंट ले सकते हैं। लेट्स सपोज अगर वहाँ पे बारिश भी आ रही है तो भी आप वहाँ पे देखेंगे कि आपको बारिश का फील नहीं होगा, बूंदें नहीं पड़ेंगी, लेकिन एक फव्वारे टाइप में जो होते हैं उससे आपको बहुत अच्छी फील आएगी। तो बहुत ही अच्छा एक माहौल रहेगा। अब मैं इसके अगर प्रोजेक्ट की बात करता हूँ तो इसमें मेरे पास लोअर ग्राउंड फ्लोर पर रिटेल शॉप हैं, ग्राउंड फ्लोर पर रिटेल शॉप हैं, फर्स्ट फ्लोर पर एंकर स्टोर आते हैं, मेंस शॉप रहेंगी, सेकंड फ्लोर पर लेडीज आपका शॉप रहेंगी सारी, थर्ड फ्लोर पर मेरे पास इसमें फूड कोर्ट आपके आते हैं, एंड आपका इसमें बेसिकली अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूँ तो दो फेज़ में डिवाइड है। एक फेज़ में मेरे पास जो है थर्ड फ्लोर के ऊपर आपका फोर्थ फिफ्थ सिक्स मल्टीप्लेक्स आता है, देन टॉप फ्लोर पर आपका ओपन रेस्टोरेंट है आपका आता है। और फेज़ टू में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे थर्ड फ्लोर के ऊपर आपका पब्स एंड बार्स ये इस तरीके से आएंगे।
ये सारा इसका कॉन्सेप्ट रहेगा। मैं अगर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करता हूँ तो बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि बिल्डर यहाँ पे एक लीजिंग आपको करके दे रहा है, जो एक मार्केट में बिल्डर जो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। अगर आपको लीजिंग मिल रही है तो आप एक श्योर हो जाते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी खाली नहीं रहेगी और आपको रेंटल बहुत अच्छा आएगा। स्पेशली जो लोकेशन आपको मिल रही है वहाँ पे बहुत अच्छे रेंटल्स आने के चांसेस हैं, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा। तो दोस्तों लीजिंग का कॉन्सेप्ट रहेगा, आपने मान के चलिए यहाँ पे कोई भी एक शॉप खरीदी हुई है, 200 स्क्वायर फीट, 250 स्क्वायर फीट या 300 स्क्वायर फीट की दुकान खरीदी है, तो उसमें जब तक आपको पोजेशन नहीं आएगा तब तक आपको क्या कहते हैं आप यहाँ पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे पेमेंट प्लान के साथ चीज़ें दी हुई हैं, प्लस जैसे ही पोजेशन होगा तो एज़ पर एक्चुअल जो भी रेंट आएगा वो 100% आपको पास ऑन होगा। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी बना रहे हैं। अब इसमें इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करता हूँ, मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग साइज़ के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अगर आपका कम बजट है तो मेरे पास छोटे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी हैं, 17-18 लाख रुपए से भी स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें आप थोड़ा बड़े ऑप्शंस में भी जाएंगे तो मेरे पास 45 लाख से लेके 50 लाख रुपए के ऑप्शन आते हैं, जो कि 200-250 स्क्वायर फीट तक की यहाँ पे शॉप मिल जाएंगी। तो बहुत ही बढ़िया प्लानिंग है, लीजिंग आपको मिल रही है। बिल्डर की बात करता हूँ, बिल्डर वर्ल्ड अब नोएडा इंडिया का बहुत ही रिनॉन्ड बिल्डर है, ऑलरेडी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी बना के दी हुई है, लोकेशन बहुत अच्छी है, मेट्रो है, हाईवे की प्रॉपर्टी है। प्लस अगर इस प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, टू साइड ओपन अपना ये प्रोजेक्ट है, फ्रंट रोड से भी एंट्री रहेगी, प्लस आपका जो बैक साइड में इसकी 24 मीटर की अथॉरिटी की रोड है वहाँ से भी एंट्री रहेगी। तो एक इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से लोकेशन वाइज देखेंगे, प्रॉपर्टी वाइज देखेंगे, बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप कुछ भी पूछना चाह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, कैसे साइट विजिट प्लान कर सकते हैं, क्या क्या पेमेंट प्लान्स रखे हुए हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपके स्क्रीन पर एक नंबर शो होगा, उस पर कॉल करके आप प्रोजेक्ट को डिटेल में समझ सकते हैं, अपनी क्वेरी सॉल्व करा सकते हैं। थैंक यू।